गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आपका प्रणाम टॉपिक चल रहा है तो कुछ फेस्टिवल की वजह से आपके क्लासेज बाधित हुई हैं, तो आज फिर से आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपका प्रणाम चल रहा है जिसमें पर्सनल प्रणाम के अंतर्गत आज पजेसिव केस का आप अध्ययन करेंगे। दोस्तों किसका अध्ययन करेंगे? पजेसिव केस का आज आप अध्ययन करेंगे। अब पजेसिव केस की अगर बात करें दोस्तों तो यह आपका दो तरह से कैटेगराइज हो जाएगा। कितने तरीके से? दो से। अगर आप पजेसिव केस को दो तरीके से कैटेगराइज करें तो आप पहले रखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। किसे दोस्तों? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव में आपने आई का रखा माई, वी का रखा आपने अवर, और ही का लिखा आपने सॉरी यू का लिखा आपने योर, ही का लिखा आपने हिज, सी का लिखा आपने हर, एट का लिखा आपने इट्स, और दे का लिखा आपने देयर। यह तो आपके हुए पजेसिव एडजेक्टिव। क्या हुए दोस्तों? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव में आपने आई का माई रखा, वी का अवर रखा, यू का योर रखा, ई का हिज रखा, सी का हर लिखा, एट का एट्स लिखा, दे का देयर लिखा। अगर हम आगे इन्हें और बढ़ाएं तो पजेसिव केस को एक और कैटेगरी में आप रख सकते हैं, जिसे आप रखेंगे पजेसिव प्रणाम। क्या रखेंगे दोस्तों? पजेसिव प्रणाम। पजेसिव प्रणाम में आपने आई का पजेसिव प्रणाम बनाया तो आपने लिखा माई, अवर का लिखा आपने अवर्स, योर का आपने लिखा योर्स, हिज का क्या दोस्तों? हिज कहते हैं नहीं, एस इसमें नहीं लगेगा। इसका रीजन आप समझिए, क्योंकि हिज जो एस है वह आपका एसेंट साउंड दे रहा है। एसेंट साउंड देने के साथ साथ इसमें आप एस नहीं लगाएंगे। और आपने हर का लिखा हर्स, एक का बनेगा नहीं, देयर का होता है देयर्स। क्या होता है दोस्तों? देयर्स। तो यह पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। अगर आप पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में अंतर कर लेंगे तो आपको कोई समस्या आएगी नहीं। अगर आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा दोस्तों एक नाउन की आवश्यकता होती है। हमें किसकी आवश्यकता होती है? एक नाउन की आवश्यकता होती है। किससे पहले? पजेसिव एडजेक्टिव से पहले। और पजेसिव प्रोनाउन के बाद, पजेसिव प्रोनाउन के बाद हमें नाउन की कोई भी आवश्यकता दोस्तों नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? नाउन की। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आपको हमेशा नाउन चाहिए, और पजेसिव प्रोनाउन के बाद आपको नाउन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इट इज क्लियर? देखिए, आपने शुरू में सर पढ़ा था और टीचर आपको छोटी क्लासेज में आपको पढ़ाते आए हैं, तो इनमें से आपको पहले इन क्वेश्चंस पर मैं फोकस कराऊंगा। तो आप इनमें से देखें कौन सा क्वेश्चन सही है। और चलिए छोड़िए सर, सही तक तो आप कैसे भी तुक्के में भी पहुंच जाएंगे, लेकिन गलत है तो गलत क्यों है पहले उस रीजन को समझते हैं। चलिए तो आइए पहले इन्हीं पर बातचीत करते हैं। यहाँ लिखा है योर्स फ्रेंडली। योर्स फ्रेंडली, अगर दोस्तों बात करें इस योर का, आपने हिंदी अभी तक पढ़ते आए हैं तो इसका आप जानते हैं आपका पहले से का है, तो इसमें आपको एफ एस ट्रॉफी एस लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इसी कारण से यह हमारे डिस्कशन से बिल्कुल से बाहर हुआ। एक बार फिर सुने, यो जो पहले से ही आपका हिंदी में का अर्थ दे रहा है आपका, तो इसमें आपको जबरदस्ती एफ एस ट्रॉफी एस लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यह हमारे डिस्कशन से बिल्कुल बाहर हुआ। अगले को देखें, योर्स फ्रेंडली, तो इसमें भी आप वही रीजन आपको देखने को मिला है, तो यह भी हमारे डिस्कशन से बाहर हुआ। योर्स फ्रेंडली, तो आप देखें हाँ, योर्स पहले से ही साउंड आपका हिसिंग साउंड निकल रहा है, योर्स तो हिसिंग साउंड निकल रहा है, तो इसमें जबरदस्ती आपको एस लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगले को देखें, योर्स फ्रेंड, फ्रेंड से यहाँ देखें आप योर्स, योर्स अपने आप में पजेसिव प्रोनाउन होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब पजेसिव प्रोनाउन है तो इसके बाद आपके सामने क्या लिखा हुआ है दोस्तों? नाउन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नाउन। लेकिन यहाँ फ्रेंड देखें तो अपने आप में एक नाउन होता है, तो यहाँ योर्स कहना गलत होगा। यह हमारे डिस्कशन से बाहर हुआ, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन के बाद हमें नाउन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगले सेंटेंस को, अगले क्वेश्चन को देखें, योर फ्रेंड, योर अपने आप में देखें तो एक एडजेक्टिव होता है दोस्तों, जिसके बाद नाउन कंपलसरी है, तो आपने यहाँ लिखा फ्रेंड, तो यह हमारा बिल्कुल सही है। योर अपने आप में पजेसिव एडजेक्टिव है और फ्रेंड की बात करें नाउन है, तो यह क्वेश्चन बिल्कुल सही है। योर्स अपने आप में देखें तो क्या है दोस्तों? ये पजेसिव प्रोनाउन। तो फ्रेंडली
अभी आपने मजाक मजाक में किसी से कहा कि ये लड़का घर नहीं आना चाहिए, ये लड़का घर नहीं आना चाहिए, तो कहने का मतलब है लड़का की जगह पर कोई लड़की तो आ सकती है, बोलिए हाँ या ना। तो कहने का मतलब है एन वाई लगाने से, यानी कि एफिक्स है आपने पढ़ा होगा नाउन में, तो वहां प्रीफिक्स करते हैं और सुफिक्स करते हैं और कुछ कुछ जगह पर इनफिक्स भी हो जाता है। तो अगर हम किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के किसी भी वर्ड के अंत में अगर हम एन वाई क्या करते हैं सुफिक्स करते हैं, अगर किसी वर्ड में हम एल वाई सुफिक्स करते हैं, जब हम इसे सुफिक्स करते हैं एल वाई को, तो इसे जोड़ने से या तो बनता है एडजेक्टिव, क्या बनता है दोस्तों एडजेक्टिव, यानी किसी वर्ड में अगर हम एल वाई सुफिक्स करें तो उसके जोड़ने से या तो बनता है एडजेक्टिव या बनता है दोस्तों एडवर्ब। लेकिन क्या नहीं बनता है, तो वह नहीं बनता है आपका नाउन नहीं बनता है। अगर किसी वर्ड के अंत में अगर आप एन वाई लगाते हैं तो वह या तो एडजेक्टिव होगा या दोस्तों एडवर्ब, लेकिन क्या नहीं होगा, वो नाउन नहीं होगा। तब नाउन नहीं होगा तो आपने यही तो कहा कि था जैसे प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आना चाहिए, तो आप किसी भी दूसरे वर्ड को तो रख सकते हैं, इसीलिए हमारे आंसर में है बिल्कुल सटीक बेटा। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो मैं इन्हें साफ कर देता हूँ, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट पर लेकर चलता हूँ। तो आपने यहाँ सीखा यह क्वेश्चन क्यों गलत थे क्यों सही थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन्हें और अच्छे से समझते हैं। तो लिखा है माय हाउस इज बिगर देन योर हाउस, माय हाउस इज बिगर देन योर हाउस। अगर देन की बात करें तो यह कंपैरिजन करने वाले कन्वेंशन है, जिसे कंपैरिजन कर रहा है वह आपका सामने लिखा है बिगर, यह अपने आप में कुछ और ना होकर एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है जो मदद कर रहा है, जिसमें तुलना करने में आपका यह देन नामक कन्वेंशन। तो आपने देखा कि यहाँ माई हाउस लिखा है यहाँ योर हाउस, तो तुलना तो बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों आपने देखा कि हाउस एक बार नाउन आया हुआ है, फिर दोबारा से हम नाउन का रिपीटेशन नहीं कर सकते, तो हाउस को आपको यहाँ से हटाना होगा। तो दोस्तों क्या हाउस को हटा दें तो सेंटेंस सही हो जाएगा, माई हाउस इज बिगर देन योर। अब सही है दोस्तों? नहीं सर, आपने कहा कि योर के बाद, यानी कि जो पजेसिव एडजेक्टिव लिखे हैं इनके बाद तो नाउन होना चाहिए, तो यहाँ नाउन तो है नहीं, गलत हुआ। चलिए आप कॉन्सेप्ट पर चलते हैं दोस्तों। जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव होता है, और इसके बाद जब एक नाउन आता है दोस्तों, क्या आता है नाउन आता है, तब इक्वल टू आपका पजेसिव प्रोनाउन का निर्माण होता है दोस्तों। किसका निर्माण होता है? पजेसिव प्रोनाउन का निर्माण होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया हो आपको, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया हो, यानी कि ये आपके पजेसिव एडजेक्टिव दिए हो और उसके बाद कोई एक नाउन दिया हो, तब दोनों को मिलाएंगे तो आपका बनेगा पजेसिव प्रोनाउन। क्या बनेगा दोस्तों? पजेसिव प्रोनाउन। तो आप देखिए माई अपने आप में कुछ और ना होकर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों? पजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद हाउस अपने आप में लिखा एक नाउन है। अगर आप दोनों को इनको क्या करते हैं इक्वल करते हैं, तो यहाँ आपको योर का पजेसिव प्रोनाउन क्या देखने को मिलेगा, तो आपके सामने लिखा है योर्स। अब यह बिल्कुल सही है, माई हाउस इज बिगर देन योर्स, इससे योर्स का मतलब है योर हाउस, योर हाउस, यही मैंने कहा। यह अपने आप में हुआ पजेसिव एडजेक्टिव। क्या हुआ दोस्तों? पजेसिव एडजेक्टिव। हाउस की बात करें तो अपने हुआ नाउन, तो इन दोनों को इक्वल करेंगे तो आपका बनेगा योर्स, योर्स अपने आप में क्या हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन। क्लियर हुआ होगा? तो आपने यहाँ योर्स लिखा। अगले क्वेश्चन को फटाफट से सही करें। यू शुड सेव योर टाइम एंड माई टू। अगर फ्रेंड्स यहाँ देखें, योर टाइम तथा माई टाइम को जोड़ा गया है एंड नामक कन्वेंशन से। टाइम शब्द आपका दो बार यहाँ रिपीट हुआ है, आप देख सकते हैं, तो क्यों ना ऐसा करें। यह अपने आप में एक पजेसिव एडजेक्टिव है दोस्तों। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, और यह अपने आप में एक नाउन है, तो दोनों को इक्वल करें तो पजेसिव प्रोनाउन का निर्माण हो सकता है। तो माई अपने आप में एडजेक्टिव होता है, पजेसिव टाइम अपने आप में नाउन है, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो आपका पजेसिव प्रोनाउन क्या बनकर तैयार हो जाएगा? माइन। तो आप यहाँ केवल क्या लिख देंगे दोस्तों? माइन। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट में बताएं। कहने का मतलब है जैसे आपने पजेसिव प्रोनाउन वो सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को मिलाया, तो यह इक्वल किसके हुआ? पजेसिव प्रोनाउन के। तो माई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों? माई, और इसी माई का मतलब है माई टाइम। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। योर इज आर न्यू बुक्स, योर इज आर न्यू बुक्स। तो दोस्तों इसमें आप देखें तो सही है क्या? तो आपने थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाया, तो आपने यहाँ देखने को मिला योर अपने आप में एक पजेसिव एडजेक्टिव है,
तो फ्रेंड्स पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा कंपलसरी होता है नाउन, तो क्या यहाँ बुक्स लिखते हैं? नहीं दोस्तों, आप यहाँ बुक्स लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो अब आपका क्वेश्चन उठता है तो इसमें करें तो करें क्या और क्या ना करें, तो आपको यहाँ ध्यान से देखना है कि यहाँ जो बुक्स न्यू बुक्स पहले से ही आपका बुक्स आया है यानी कि नाउन का जिक्र हो गया है, तो यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव ना लिखकर आप पजेसिव प्रोनाउन लिखते हैं तो आप लिखेंगे यहाँ योर, यह ज्यादा बेहतर रहेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन उठता है कि जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वह सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं? पजेसिव प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं या प्लूरल, बताइए पजेसिव प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं या प्लूरल? तो आप कहेंगे कि यह सिंगुलर भी होते हैं और यह प्लूरल भी होते हैं। पजेसिव प्रोनाउन सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, यह नाउन पर डिपेंड करते हैं। अगर यह केवल ऐसे होता कि माई इज अ न्यू बुक तो यह बिल्कुल सही था, क्योंकि नाउन आया है, आप यहाँ माई बुक नहीं लिखेंगे, आपको लिखना होगा केवल यहाँ माई, क्या लिखना होगा दोस्तों? माई, माइन इज अ न्यू बुक। अगर यहाँ आपका नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अगर यहाँ प्लूरल नाउन होता तो आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लिखते, जैसे अगर लिखा होता माइन आर न्यू बुक्स तो यह भी सेंटेंस आपका बिल्कुल सही था। आगे थोड़ा सा और चलते हैं, अगले क्वेश्चन को पहले अपने आप से सही करने का प्रयास करें। लिखा है ही हैज लॉस्ट योर बुक एज वेल एज माय, अगर आप यहाँ देखें फ्रेंड्स एज वेल एज जो अपने आप में एक प्रीपोजिशन होता है जो जोड़ने का कार्य कर रहा है योर बुक और माय, तो फ्रेंड्स यहाँ माय अपने आप में पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव एडजेक्टिव आपका विदाउट नाउन के लिखा नहीं जाएगा दोस्तों, किसके नहीं लिखा जाएगा? नाउन के। या तो आप यहाँ लिखें माय बुक तो सही होगा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ अब नाउन दो बार रिपीट हो गया है, तो ऐसा करने से बेहतर है कि योर बुक, योर अपने आप में पजेसिव एडजेक्टिव हुआ दोस्तों, क्या हुआ? पजेसिव एडजेक्टिव, और इसके बाद आया है आपका बुक अपने आप में एक नाउन। जब पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन को आप मिलाएंगे तो आप बना सकते हैं पजेसिव प्रोनाउन जो कि युगल होता है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के, तो आप इसमें से एक ही काम करें, इसका क्या बनाते हैं? पजेसिव प्रोनाउन बना दें, तो माई का पजेसिव प्रोनाउन आप बना देंगे माई, क्योंकि यही तैयार हुआ, आप इसका आंसर आसानी से सेट कर सकते हैं। आई मीन यहाँ तक आपकी बात दिमाग में आई होगी। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए और अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। रेखा सॉ मी फ्रेंड यस्टरडे, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर मैं लेकर चलता हूँ दोस्तों, यहाँ तक कोई समस्या परेशानी तो आपको होगी नहीं। तो अभी हमने देखा कि नाउन, नाउन से पहले, नाउन, नाउन से पहले क्या हम एक सब्जेक्टिव केस का यूज कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर इसे हम नहीं लिख सकते हैं, यानी कि नाउन से पहले ना तो हम एक सब्जेक्टिव केस का यूज कर सकते हैं और क्या हम नाउन से पहले एक ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर सकते हैं दोस्तों? तो आप कहेंगे ये भी नहीं हो सकता, तो आपके डिस्कशन में केवल एक ही चीज बचा, वो बचा पीसी, क्या प्रियंका चोपड़ा? नहीं नहीं, पजेसिव केस। अब पजेसिव केस आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव, तो आपका हमेशा यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव ही रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा? पजेसिव एडजेक्टिव, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, पजेसिव एडजेक्टिव ही आपका लिखा जाएगा। नाउन से पहले ना तो आपको सब्जेक्टिव केस लिखने की आवश्यकता है, ना नाउन से पहले आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखने की आवश्यकता है, तो नाउन से पहले जो कुछ भी लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा आपका पजेसिव केस। चलिए तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। रेखा सॉ मी फ्रेंड यस्टरडे, आइए दोस्तों थोड़ी सी कसरत करते हैं, फ्रेंड अपने आप में कुछ और ना होकर नाउन, और मी की बात करें तो यह ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो दोस्तों नाउन से पहले आप ऑब्जेक्टिव केस तो लिख नहीं सकते हैं, ना ही सब्जेक्टिव केस लिख सकते हैं, तो आपको क्या लिखना होगा? पजेसिव एडजेक्टिव, तो पजेसिव एडजेक्टिव आप यहाँ मी ना लिखकर लिखेंगे माई, क्या लिखेंगे दोस्तों? माई। रेखा सॉ माई फ्रेंड यस्टरडे, यानी रेखा ने कल मेरे मित्र को देखा। नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर सेंड कीजिए। रेखा है सी वांटेड मी बुक्स, अगर फ्रेंड्स देखें बुक्स अपने आप में कुछ और ना होकर अपने आप में लिखा हुआ है एक नाउन, और नाउन से पहले ना तो आप सब्जेक्टिव केस लिख सकते हैं ना ऑब्जेक्टिव केस, तो आपके पास एक ही बचता है पीसी, प्रियंका चोपड़ा, नहीं दोस्तों, यानी कि पजेसिव केस, पजेसिव केस में भी पजेसिव एडजेक्टिव, तो आप यहाँ मीना लिखकर एक बार फिर से लिख देंगे माई। आइए दोस्तों नीचे वाले क्वेश्चन पर और कसरत करते हैं। योर्स ड्रेस इज वेरी नाइस, अभी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन दिया था वहीं से लिया गया है। योर्स ड्रेस इज वेरी नाइस, यानी कि योर की बात करें तो फ्रेंड्स पजेसिव एडजेक्टिव होता है जिसका हिंदी अर्थ पहले से ही आपका निकलता है, तो हमें वे वजह यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम इसे यहाँ से हटा देंगे, तो हमारा केवल बचेगा योर ड्रेस
इज वेरी नाइस। तो यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखिए, द बैग इज माई, द बैग इज माई। तो फ्रेंड्स माई के बाद या तो एक काम करें आप बैग को लिखें, क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव की बात चाहिए आपको नाम, या तो आप बैग को ही लिखें। अगर आप बैग को नहीं लिख रहे हैं तो यह अपने आप में पजेसिव एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि बैग बैग रिपीट होगा तो गलत हो जाएगा, तो यह अपने आप में पजेसिव एडजेक्टिव है, ये एक नाउन है। तो अगर दोनों को आप यूक्वल करेंगे तो पजेसिव प्रोनाउन का निर्माण होगा, तो दोनों को ना लिखकर आप पजेसिव प्रोनाउन लिख देंगे आई, यानी कि आई का माई। तो यह माई जो है वह बराबर है माई बैग के। आइए नीचे वाले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, और यह आपके क्वेश्चन नीचे जो लिखे हैं लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसके लिए मुझे स्पेस चाहिएगा, तो थोड़ा सा मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों आइए थोड़ी सी और कसरत करते हैं, जिससे आपकी तबीयत और बिंदास हो जाए, क्योंकि मिठाइयां पच गई होंगी। तो देखिए मैंने आपके सामने लिखा कुछ सेंटेंसेस, जिन्हें बड़े ध्यान से समझे आप। प्लेन इज यूज फॉर, प्लेन इज यूज फॉर। मैंने लिखा स्मोकिंग इज हार्मफुल, हार्मफुल। अगला लिखा मैंने वॉकिंग, वॉकिंग इम्प्रूव्स द हेल्थ, या द हेल्थ, हेल्थी लिख सकते हैं, इम्प्रूव्स हेल्थ। अगला लिखा मैंने वॉकिंग विच स्मोकिंग विच आई लाइक स्विमिंग। कुछ सेंटेंसेज आपके सामने लिखे हैं, जरा ध्यान से इन्हें पढ़ें। पहला है प्लेइंग इज यूजफुल, दूसरा है स्मोकिंग इज हार्मफुल, तीसरा है वॉकिंग इज, वॉकिंग इम्प्रूव्स हेल्थ, अगला है आई लाइक स्विमिंग। चलिए तो इन पर बात करते हैं। तो यहाँ ध्यान से पढ़ें, व्हाट इज यूजफुल, व्हाट इज यूजफुल। जैसे आपने व्हाट का आंसर दिया तो आपको आंसर मिला व्हाट का प्लेइंग। तो दोस्तों हमारे सामने यहाँ निकलता है कि व्हाट का जब हमें रिप्लाई मिलता है तो वह अपने आप में कुछ और ना होकर होता है नाउन। क्या होता है दोस्तों? नाउन। अगले को एक बार फिर पढ़ें, स्मोकिंग इज हार्मफुल, व्हाट इज हार्मफुल। तो आपको फिर से व्हाट इज हार्मफुल, तो व्हाट का एक बार फिर से आपको रिप्लाई मिला तो वह अपने आप में स्मोकिंग कुछ और ना होकर है अपने आप में एक नाउन। वॉकिंग इज, वॉकिंग इम्प्रूव्स हेल्थ, व्हाट इम्प्रूव्स हेल्थ, व्हाट का आंसर आपको यहाँ मिला है दोस्तों, तो ये अपने आप में क्या हुआ? एक नाउन हुआ। किसका रिप्लाई है? ये अपने आप में एक व्हाट का रिप्लाई है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आई लाइक व्हाट, आई लाइक व्हाट। तब यहाँ दोस्तों व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, यानी कि आई लाइक व्हाट, व्हाट का रिप्लाई है स्विमिंग, तो व्हाट का रिप्लाई देने वाला शब्द अपने आप में कुछ और ना होकर है दोस्तों नाउन। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट छोटा सा तैयार किया था कि नाउन से पहले, दोस्तों नाउन से पहले आप किसी और चीज का जिक्र नहीं करते हैं, यानी कि ना तो सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे ना ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, तो आप केवल यूज करेंगे पीसी प्रियंका चोपड़ा, नहीं दोस्तों पजेसिव केस, पजेसिव केस में क्या, पजेसिव एडजेक्टिव। तो नाउन से पहले आपका हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव ही यूज होगा, ये बात समझ में आई। अब आपको कैसे पता चलेगा ये नाउन है? तो दोस्तों व्हाट से आपको क्वेश्चन करना होगा, फिर भी टीचर लोग सिखा देते हैं कि इसके बाद ऐसा होता है तो रट्टा ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, इस चीज को आप ही जानते हैं। तो हमारे सामने यहाँ एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि आपने ध्यान से इन्हें पढ़ा तो प्ले, प्ले के साथ कुछ जुड़ा हुआ है जो अपने आप में है आईएनजी। यहाँ भी देखें स्मोक, स्मोक के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों आईएनजी। वॉक की बात करें तो इसमें भी कुछ जुड़ा हुआ है तो वह अपने अपने जुड़ा हुआ है आईएनजी। अगर यहाँ आप देखें स्विम, स्विम में अपने आप में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों आईएनजी। तो यहाँ कुछ जुड़ने की बात हुई है, तो आपने देखा कि अगर कभी 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 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर आपको आईएनजी देखने को मिले, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर आपको आईएनजी देखने को मिले और जो अपने आप में किसका रिप्लाई दे दोस्तों वर्ड का, अगर आपको यह किसका रिप्लाई दे वर्ड का, तो वर्ड का जब यह अपने आप में रिप्लाई देगा तो यह एक कुछ और ना होकर पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन होगा दोस्तों। क्या होगा नाउन? वी वन प्लस आई एन जी, जब आपको वर्ड का रिप्लाई दे तो अपने आप में क्या होगा ये नाउन होगा। तो दोस्तों जब नाउन होगा तो इससे पहले हमें हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव का ही यूज करना है। किसका यूज करना है? पजेसिव एडजेक्टिव का। तो आइए हम क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं, और क्वेश्चंस लगातार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सी डिड नॉट लाइक हिम गोइंग एट द नाइट पार्टीज, सी डिड नॉट लाइक व्हाट, व्हाट का आपने रिप्लाई देखा तो आपको आंसर मिला गोइंग। तो व्हाट अपने आप में
यानी कि गोइंग अपने आप में व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, तो ये अपने आप में कुछ और ना होगा, होगा दोस्तों एक नाउन। क्या होगा दोस्तों? नाउन। सी डिड नॉट लाइक व्हाट, व्हाट यानी कि गोइंग अपने आप में व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, तो अपने आप में नाउन हुआ। तो नाउन से पहले आपने देखा दोस्तों ना तो सब्जेक्टिव केस लगाते हैं ना ऑब्जेक्टिव केस, तो क्या होना चाहिए? पजेसिव एडजेक्टिव केस। तो यहाँ हिज ना लिखकर आपने यहाँ लिखना होगा हिज गोइंग। ऐसे क्वेश्चन पर आपको काफी ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सी एप्रिशिएटेड मी जॉइनिंग द क्लब। सी एप्रिशिएटेड व्हाट, सी एप्रिशिएटेड व्हाट, व्हाट का रिप्लाई आप देखें तो यहाँ जॉइनिंग। व्हाट की अगर बात करें तो व्हाट का रिप्लाई दे रहा है जॉइनिंग, तो अपने आप में हुआ नाउन। नाउन से पहले ना तो हम सब्जेक्टिव केस लिखते हैं ना ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ क्या होना चाहिए दोस्तों? पजेसिव एडजेक्टिव केस। तो आपने यहाँ लिखा मी के नाम पर माई। इस प्रकार से आपका पजेसिव एडजेक्टिव कहाँ तक दौड़ सकता था उसे हमने दौड़ाया। तो है लेक्चर में पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव केस आपका कंप्लीट होता है। आगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में अगले